के लाल का वो पाक रोजा देख कर, आमना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, आमना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, आमना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, के आमना का दुलारा मदीने में है, आमना का दुलारा मदीने में है, बिहलीमा का प्यारा मदीने में है, बिहलीमा का प्यारा मदीने में है, खुल्द जैसा नजारा मदीने में है, खुल्द जैसा नजारा मदीने में है, क्या समा प्यारा प्यारा मदीने में है, कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, और मेरे आका का रोजा मदीने में है, आमना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, आमना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, आमना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, के आमना के लाल का मचल जाता है आशिक, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख कर, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख कर, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख कर, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख कर। अब देखिए उलमाए किराम बैठे हुए हैं, एक मतलब मैं पहुंचाता हूं, मुलादा फरमाए, दुआएं ले रहा हूं, और सुनिए मोहब्बत के साथ। अगर आप शायरी सुनना जानते हैं तो असलम रजा को बताइए कि असलम रजा आप पढ़ना जानते हैं तो मैं सुनना भी जानता हूं, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठाकर कह दें, या रसूल अल्लाह, रब्बुल इज्जत में दुआ करता हूँ मौला हम सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमाए, कह दे आमीन। सुने कि सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, ये सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो मुल्क कौन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन में अंबिया ताजदार, अरे ताजदार होता आता हमारा नबी, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सुने कि सरवरे कौनैन जैसा तो खैरा
रात भी लोग तो खैरात भी देते हैं चेहरा देख कर, लोग तो खैरात भी देते हैं चेहरा देख कर, लोग तो खैरात भी। से एक शेर और मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ दूं, सुनेंगे आप हजरात, सुनेंगे आप हजरात, तो कह दीजिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। माइक को आप मत देखें, आप मत देखें, ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं माइक को मत देखें, मैं क्या पढ़ रहा हूं उसे सुनिए, उसे सुनिए। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सरवरे को नैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे को नैन जैसा देने वाला कौन है। हद से बढ़कर मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, मोहब्बत के साथ सुने, कि हद से बढ़कर मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, हद से बढ़कर मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, के फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, के भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हद से बढ़कर मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, हद से बढ़कर मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, से बढ़ के मुस्तफा ने हदीस से बढ़ के मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, हदीस से बढ़ के मुस्तफा ने साइलों को दे दिया, भर दिया करते हैं झोली, भर दिया करते हैं झोली मेरे आका देख कर, भर दिया करते हैं झोली मेरे आका देख कर, भर दिया करते हैं झोली मेरे आका देख कर। शेर सुन लीजिए, कसम खुदा की ये शेर पर अगर आप खामोश रह जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप खामोश रहेंगे। सुने मोहब्बत के साथ एक शेर सुनिएगा, जरा एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के आने लगती है जनाबे मुफ्ती आजम किया, सुने 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 या रसूल अल्लाह, के आने लगती है जनाबे मुफ्ती आजम की याद, आने लगती है जनाबे मुफ्ती आजम की याद, के जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी है नबी नबी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, ऐसे कर लो यहाँ मुनकरों चारे दे, ऐसे कर लो यहाँ मुनकरों चारे दे, और मर के कर सोगे इस जिंदगी के लिए, आने लगती है जनाबे मुफ्ती आजम की याद, आने लगती है जनाबे मुफ्ती आजम की याद, के आने लगती है जनाबे आने लगती है जनाबे मुफ्ती
अल्लाह चेहरे अल्लाह अल्लाह चेहरे ता जो शरिया देख कर अल्लाह अल्लाह चेहरे ता जो शरिया देख कर अल्लाह अल्लाह चेहरे ता जो शरिया देख कर। और मुझे मुझे उम्मीद है कि मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो माँ के वफादार बेटा होगा वो खामोश नहीं बैठेगा। एक शेर सुन लीजिए, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप खुद तजुर्बा जो होंगे कि जब हम घर से कभी कभी कमाने के लिए कहीं भी निकलते हैं और साथ में मैं वो फंस नहीं सकता और अगर फंस जाए तो मुसीबत चलता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत के साथ एक शेर सुने, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो गया। सुनिए मोहब्बत के साथ एक मतलब और कह दें यार रसूल अल्लाह। सुने एक शेर मोहब्बत के साथ कि रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए, रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए, रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए, के रास्ते के सारे पत्थर निकला। इसी तरह सुनिएगा और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह के रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए, रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए। अपने घर से जब मैं निकला, अपने घर से जब मैं निकला, माँ का चेहरा देख कर, अपने घर से जब मैं निकला, माँ का चेहरा देख कर, अपने घर से जब मैं निकला, माँ का चेहरा देख कर। और सरकार मुजाहिदे मिल्लत को नहीं जानता, उनकी करामत एक शेर में पहुंचा रहा हूं। जरा कहिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की करामत थी कि वो जेल में रहते थे और बाहर भी घूमते रहते थे। अरे कहिए ना मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुने मोहब्बत के साथ कि बोल उठा जे लड़के मेरी नौकरी खतरे में है, बोल उठे जे लड़के मेरी नौकरी खतरे में है, बोल उठे जे लड़के मेरी नौकरी खतरे में है, कि बोल उठे जे लड़के बाहर मुजाहिद को टहलता देख, जेल के बाहर मुजाहिद को टहलता देख कर, जेल के बाहर मुजाहिद को टहलता देख कर। काश मैं ये शेर कहीं बड़े मजमे में पढ़ा होता, नारा होना चाहिए, लेकिन आपने नारा नहीं लगाया। मैं फिर से ये शेर पहुंचाता हूं, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ, कि रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए, घर से मैं जब घर से निकला, अपने घर से जब मैं निकला, माँ का चेहरा देख कर, के बोल उठे जे लड़के मेरी नौकरी खतरे में है, बोल उठा जे लड़के मेरी नौकरी खतरे में है, जेल के बाहर मुजाहिद, जेल के बाहर
मुजाहिद को टहलता देख कर जेल ले बाहर माशाल्लाह आपने बहुत बहुत अच्छा नहीं बहुत बहुत अच्छा सुना सुना इसके लिए मशकूर ममनू हूँ मैं आपका। अब यहाँ से एक मतलब मैं या हुसैन या अली कहूँगा आप या हुसैन कहेंगे उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा। या अली।